नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था। 8 क्लास से हो चुकी है, आज लास्ट क्लास रहेगी। इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बचे हैं, आपका चक्रवर्ती ब्याज फिर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो क्या है। किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI आपको दे रखा है, चक्रवर्ती ब्याज आपको दे रखा है 246 रुपये। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना। देखो मूलधन समान है, 2 वर्ष का 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको दे दिया 246। उसी मूलधन का, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है उसी धनराशि का, रेट इस बार चेंज कर दी 6% की दर से, 3 साल का आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहला काम होना चाहिए आप पहले इसका क्या निकाल लो, मूलधन निकाल लो, वो धनराशि निकाल लो। फिर रेट भले ही अलग हो, आप साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो देखो, CI को पकड़ो। CI आपको दे रखा है 2 साल का 246 रुपये। ठीक है साहब, टाइम है 2 वर्ष और CI के लिए रेट रखिए 5%। जब आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा हो तो आप मूलधन आराम से निकाल सकते हो। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। बहुत सारे तरीके मैंने 3 से 4 तरीके बता रखे। जब आपको ब्याज दे रखा हो, मूलधन पूछा हो, तो इसमें पहले मूलधन निकालो। मूलधन कैसे निकालोगे, रेट है 5%। मूलधन मान लो आपका 100 इकाई है, ठीक है, 100 इकाई आपका मूलधन है, रेट है 5%। तो पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 5 होगा, 100 का 5%। अगले साल का 5 तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। एक्स्ट्रा कितना होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा, 5 का 5% ब्याज होगा एक्स्ट्रा, कितना आ जाएगा, 0.25। ये टोटल 2 साल का ब्याज हो जाएगा, 5 5 10, 0.25। ये टोटल 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ये इकाई में होगा। ये 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज है 10.25। आपको 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा है, 246। ब्याज के बराबर ब्याज रख देंगे, 1 इकाई का मान निकालेंगे यहाँ से, उसको 100 से गुणा करा देंगे, मूलधन आ जाएगा। देखो 10.25, 2.5 इकाई बराबर होगा कितना, ब्याज के बराबर ब्याज रख रहा हूँ क्योंकि ये 2 साल का ब्याज निकाला आपने, वो है 246। मैं पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो नीचे लग जाएगी, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है। 25 के बाड़े से इसको सोल्व कर लो, 25 के 100 बच गया, 2 25 हो गए, 25 से कम 25, ये 25 के 100। 41 का भाग पूरा पूरा जाएगा 246 में 6 बार, और 4 6 से क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 24 रुपये। ठीक है साहब, मूलधन निकालो पहले, मूलधन कितना है आपका, 100 इकाई। आराम से समझना, देखो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आप कर चुके हो, 24 गुणा 100, तो मूलधन कितना आएगा आपका, 2400 रुपये। धनराशि आपने निकाल ली 2400 रुपये। अब क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि उसी धनराशि पे 2400 रुपये पे 6% ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज निकालना है। ये निकाल लोगे साधारण ब्याज, बिल्कुल आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो, ये ऐसा ही निकल रहा है आपका, ऐसा ही क्वेश्चन में पूछा है। 24 6 से गुणा होगा तो, 24 3 से गुणा होता है तो 72, 6 से गुणा होगा तो 144, गुणा 3 है ही। इसको मल्टीपल करा लो, 4 3 12, 1 कैरी किया, 4 3 12 और 1 कितना 13, 1 कैरी किया, 3 1 कम 3 और 1 कितना 4, 432 रुपये आपका 6% की दर से उसी धनराशि पे 3 साल का ब्याज होगा। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। देखो बिल्कुल आसान है, जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो करते जाओ। अगले क्वेश्चन पे चलो, किसी धनराशि पे अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पे 1 वर्ष के सामान्य ब्याज, सामान्य ब्याज का मतलब साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये था। यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर 10% रही हो तो मूल राशि कितनी थी, ये आपको बताना है। देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ अच्छे से। अर्धवार्षिक कंडीशन या त्रैमासिक कंडीशन किस में लगेगी, चक्रवर्ती ब्याज में लगेगी। पहली बात तो रेट है आपकी 10% वार्षिक, तो एक तो इसने साधारण ब्याज निकाल लिया। देखो ऐसा ही निकालूंगा, मूलधन आपको नहीं पता, मूलधन को आप 100 मान लो कि 100 इकाई है, दोनों के लिए तो राशि सेम है, 100 इकाई है, रेट है 10%, तो इसका ऐसा ही कितना हो जाएगा, 1 साल का समय 1 वर्ष ही दिया हुआ है, 100 का 10% निकालूंगा तो 10 इकाई आएगा। ये आपने साधारण ब्याज निकाल लिया, ऐसा ही निकाल लिया। ठीक है साहब, अब मैं चक्रवर्ती ब्याज की बात करता हूँ। चक्रवर्ती ब्याज में उसने कंडीशन लगा दी यहाँ पे अर्धवार्षिक, समय 1 वर्ष था, तो इसमें समय कितना हो जाएगा, दुगना। अर्धवार्षिक कंडीशन में समय होता दुगना और रेट हो जाती है आधी, 10% है तो रेट कितनी हो जाएगी, 5%। ठीक है, अभी इसका ब्याज अलग होगा। मान लो साधारण ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज समय 1 वर्ष ही देता, कंडीशन नहीं लगाता कि अर्धवार्षिक है, तो 1 साल का साधारण ब्याज जो चक्रवर्ती ब्याज बराबर आता है, उनके ब्याजों में अंतर 0 का होता। और जैसे यहाँ पे कंडीशन अर्धवार्षिक लगाई, तो
तो रेट चेंज हो गई, समय चेंज हो गया, तो अब तो अंतर बनेगा। अंतर कितना बनेगा वो देख लो, मूलधन वही 100 का ही है, तो पहले साल में आप 5 ब्याज लोगे, अगले साल में भी 5 लोगे, एक्स्ट्रा कितना ब्याज आएगा आपके पास, पहले वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा 5% की दर से, 5 का 5% निकालूंगा, 0.25 आएगा। टोटल ब्याज कितना आ गया देखो, CI निकाल रहा हूँ 10.25 दो साल का, और यहाँ पे कितना ब्याज है साधारण ब्याज 10 इकाई, यहाँ पे कितना आ गया 10.25, कितने का अंतर हुआ 0.25 का अंतर हुआ, और ये अंतर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये अंतर है ना 180 रुपये का है, देखो 180 रुपये का है। मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा, बट मैं 2 जीरो लगाऊंगा, 25 के बाड़े से काटूंगा, 25 चौके 100, यहाँ पे पर एक बचा है बट्टे में 4, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इकाई का मान क्या आएगा आपके पास 18 चौक 72, 0 पीछे पड़ा है 720 रुपये। मूलधन पूछा है आपसे, मूल राशि पूछी है, वो कितनी है 100 इकाई, 100 इकाई मानी आपने, 720 को मैं 100 से गुणा करा दूंगा, तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 72,000। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, बी ऑप्शन। इस तरीके से सोल्व करना आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्या करा, रेट दे दी 10%, तो इसका साधारण ब्याज निकाल लो 1 साल का, समय 1 वर्ष, ये देखो 1 वर्ष समय है, मूलधन आप 100 मानोगे, रेट है 10%, तो साधारण ब्याज कितना आएगा 10 ही आएगा। अब इसमें चक्रवर्ती ब्याज आप निकालो, कंडीशन लगाइए अर्धवार्षिक, देखो किसी धनराशि पे अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज और उसी राशि पे 1 वर्ष के सामान्य ब्याज का अंतर 180 रुपये, रेट 10% है, समय 1 वर्ष है, अर्धवार्षिक कंडीशन लगाओ कि समय क्या हो जाएगा दोगुना, 1 से कितना हो गया 2 वर्ष, रेट 10% आधी हो जाएगी, रेट हमेशा आधी होती है, कितना हो जाएगा 5%, 2 साल का ब्याज निकाला कितना है 10.25, दोनों में अंतर कितने का 0.25 का, अंतर क्यों निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन में अंतर दे रखा है 180 रुपये, अंतर के बराबर अंतर, 1 इकाई का मान निकाल लिया 720, मूलधन 100 इकाई है, 720 को मैं 100 से गुणा कराऊंगा, कितना आ जाएगा 72,000, बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलो, 8,840 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटिए कि 8 वर्ष बाद ए का मिश्रधन 10 वर्ष बाद बी के मिश्रधन के बराबर हो, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, ए की धनराशि आपको बतानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के आपको। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1+R/100 की होल पावर क्या होता है, समय होता है, घात में क्या होता है, समय आता है। देखो ए बराबर पी गुणा 1+R/100 की होल पावर टी, ये मैंने पहली क्लास से चक्रवर्ती ब्याज स्टार्ट करा था तब आराम से मैंने ये चीज़ समझाई थी, ये मिश्रधन आएगा। तो 8,840 रुपये है, क्वेश्चन कह रहा है ना वो करते चलो, दो आदमी है ए और बी, उनमें बांट दो, मैं ए को स्मॉल ए रुपये देता हूँ, बी को स्मॉल बी रुपये देता हूँ, 8,840 के मैं 2 हिस्से करता हूँ ए और बी, इन दोनों हिस्सों को मैं वापस प्लस करूंगा तो 8,840 से मिलेंगी, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये कह रहा है 8 वर्ष बाद ए का मिश्रधन, ए का मूलधन मैंने ए माना, मूल राशि ए मानी है, बी की बी मानी है, इन दोनों को मैं वापस जोड़ूंगा 8,840 आ जाएगा। जो क्वेश्चन कह रहा है ना वो करो आप, 8 वर्ष बाद ए का मिश्रधन, ए का मिश्रधन क्या आएगा, देखो ए का मिश्रधन आएगा, मूलधन ए का कितना है ए है, स्मॉल ए माना है, 1+R कितना है 10% / 100, वो घात में कितना आएगा 8, इसको मैं सोल्व करूंगा, देखो 100 एकम 100 और 10 कितना हो जाएगा 110/100 की होल पावर कितना 8 गुणा में ए है, 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10 की होल पावर 8 आएगी गुणा में ए है, ये ए का मिश्रधन है, तो ए का मिश्रधन आ जाएगा ए गुणा 11/10 की होल पावर कितनी 8। ऐसे ही बी का मिश्रधन आएगा, बी का मूलधन बी है, 11/10 कि होल पावर, इसका समय अलग है, कितना है 10 वर्ष है, घात में 10 आएगा, कह रहा है कि 8 वर्ष बाद ए का मिश्रधन और 10 वर्ष बाद बी के मिश्रधन के बराबर है, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा दूंगा, यहाँ पे 11/10 की घात कितनी है 8, तो ये आपस में ये कटेंगे क्योंकि गुणा की राशि ये भाग में जाएगा, तो मैं इसका भाग दूंगा इसमें, यहाँ पे 10 बार है, यहाँ पे 8 बार है, यहाँ पे ओनली फॉर 2 बार बचेगा, देखो ए बराबर आ जाएगा आपके पास बी गुणा 11/10 की पावर 2, जैसे इधर मान लो 5 की पावर 3 है और इधर हो 5 की पावर 6, मैं इसमें भाग दूंगा पूरा पूरा जाएगा, 5 की पावर 3 बचेगा इधर, तो यहाँ पे 11/10 की पावर कितनी थी 8 थी, यहाँ पे 11/10 की पावर कितनी थी 10, 8 का पूरा पूरा भाग गया, देखो ये गुणा की राशि भाग में जाएगी, जब आधार समान हो तो भाग में घाते घटती हैं, आधार समान है दोनों की 11/10, तो 10 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, तो हर संख्या के बट्टे में 1 होता है,
ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आया है बी, तो पहले ही यहाँ पे था, तो आप ये कह सकते हो ए बट्टी बी बराबर 11 बट्टे 10 का होली स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 121 बट्टे 100, 11 का होली स्क्वायर निकालूंगा कितना आएगा 121 और 10 का कितना आ जाएगा 100। इस कंडीशन में ए का मान कितना होगा 121 और बी का मान कितना होगा 100। ए का मान होगा 121 इकाई और बी का मान होगा 100। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूँ, ए और बी को, ए और बी को जोड़ने पे कितना मिलेगा आपको 8840 रुपये। तो मैं दोनों को जोड़ता हूँ, 121 प्लस 100 कितना हो जाएगा 221। 221 इकाई का मान आ जाएगा आपके पास 8840 रुपये। ठीक है साहब, 221 का ये चार गुना है 884 रुपये, 221 का चार गुना है 884 रुपये, तो 221 का भाग पूरा पूरा जाएगा 884 में, चार बार जीरो पीछे पड़ा है। एक इकाई का मान कितना आ गया 40 रुपये। अब इतने क्वेश्चन आप कर चुके हो, अब इसमें तकलीफ होनी नहीं चाहिए आपको क्वेश्चनों को सोल्व करने में। एक इकाई का मान कितना आ गया 40 रुपये। पूछा क्या है, ए की धनराशि बतानी है, ए की कितनी है 121, तो ए का हिस्सा पूछा है, 121 को मैं 40 से गुणा करा दूंगा। देखो चार एक से गुणा होगा तो चार, चार दूनी आठ और चार एकम चार, जीरो पीछे पड़ा है। ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 4840। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराता हूँ ऐसा, फिर टॉपिक कंप्लीट है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, अच्छे से पढ़ेंगे, मज़े से पढ़ेंगे। 15494 को ए और बी में इस प्रकार बांटे कि 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए। ए का हिस्सा आपको बताना है, ए तथा बी दोनों का भी आप बता सकते हो कि ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। इसमें आपसे ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का हिस्सा आप बताओ, वही 15494 रुपये। ठीक है, इसके दो हिस्से कर दिए मैंने, वही ए और बी, इन दोनों हिस्सों को मैं वापस मिलाऊंगा तो 15494 मेरे को मिलेगा। देखो रेट 20%, 9 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा और बी के लिए भी वही 20% है, 11 वर्ष के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो जाए, मतलब मिश्रधन बराबर है। कैसे निकालोगे, ए का मूलधन ए मान लिया, 20% है तो 120 बटे 100 होगा, उसकी होल पावर कितनी आएगी 9 आएगी और यहाँ पे ए आ जाएगा, ऐसे ये बी का आएगा 120 बटे 100 होगा, इसकी होल पावर कितनी आएगी 11 आएगी। जीरो से जीरो में काट सकता हूँ, देखो दो के पैड़ा से काटता हूँ मैं 6 बार, ये 5 बार, ये भी 6 बार, ये 5 बार, तो आप ये कह सकते हो 6 बटे 5 की होल पावर 9 बनेगी, ये 6 बटे 5 की होल पावर 11 बनेगी, 11 में 9 कट जाएगा तो 6 बटे 5 की होल पावर बराबर में कितनी बचेगी 2 बचेगी। कैसे वो देखो, ये 6 बटे 5 की होल पावर 9, बी का मूलधन बी माना आपने, 6 बटे 5 की होल पावर कितनी 11, मिश्रधन बराबर है तो बराबर कर दिया, इसका बराबर हो जाए तो, मतलब मिश्रधन बराबर हो जाए, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 11 है, ये कंप्लीट कटेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 6 बटे 5 की होल पावर 2 बचेगी, तो ए के बट्टे में बी आ जाएगा, क्योंकि ये ए के बट्टे में ही था बी, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर गया, यहाँ पे बचेगा 6 बटे 5 का होली स्क्वायर। ए और बी का मैं मान निकालता हूँ, तो ए का मान कितना होगा 6 का होली स्क्वायर 36, बी का मान कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, ए का मान 36 है, बी का मान कितना है 25, इन दोनों को मैं जोड़ता हूँ, ए प्लस बी को मैं मिला देता हूँ, तो कितना मिलेगा मेरे को 15494, मतलब टोटल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 61, इकाई का मान कितना आपके पास 15494 रुपये। एक इकाई का निकालो, 61 का भाग दो इसमें डायरेक्ट, 61 दूना 122 तो बार गया, बच गए कितने 32, पीछे कितना पड़ा है 9, 61 का भाग में 329 में दूंगा तो 5 बार जाएगा, 61 पंजे 305, बच जाएगा कितना 24, पीछे 4 पड़ा है, 61 भाग का भाग 244 में 4 बार जाएगा, एक इकाई का मान 254 आ जाएगा। क्या पूछा है, एक का हिस्सा कितना है देखो 36 इकाई, तो एक का हिस्सा आ जाएगा 254 को मैं 36 से गुणा करा दूंगा, 254 गुणा 36, ठीक है साहब, 36 4 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 36 सौ के 144, 14 कैरी किया, 36 5 से गुणा होगा तो 180 और 14 कितना 194, 19 कैरी किया, 36 2 से गुणा होगा 36 दूना 72 और 20 कितना हो जाएगा 92, पर एक कम है 91, 9144 रुपये आपका आंसर होगा, ये ए का हिस्सा होगा। ठीक है, बी का पूछता तो किससे गुणा कराते आप, 25 से गुणा करा देते, ए का पूछा था तो 36 से गुणा करा दिया, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट।
जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर सोल्व करो। बार बार मैं एक ही चीज़ आपको बता रहा हूँ, सबसे बढ़िया तोड़ है कोई भी एग्ज़ाम को निकालने का, उसके पुराने पैटर्न को आप पकड़ो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन सोल्व करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई सा ही सब्जेक्ट हो। ठीक है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को भी जोड़ना। धन्यवाद।